नमस्कार दोस्तों, ट्रू सर्विस मॉडल में आप सभी का स्वागत है। सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जो रिसेंटली हमने वीडियो क्रिएट की थी उसमें आपको बताया था कि जो सीएनसी की कैटेगरी होती है वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है। मशीन चाहे जो मर्जी हो लेकिन उसका जो लॉजिक के अकॉर्डिंग जो हम उसको क्रिएट करते हैं, उसका प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, वो हमारा कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल के थ्रू ही क्रिएट होता है। उसको हम सीएनसी मशीन ही कह सकते हैं। चाहे मशीन किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे एचएमसी हो, चाहे वीएमसी हो, चाहे वायर कट हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे वो राउटर मशीन हो, उन सभी मशीनों को हम सीएनसी मशीन कह सकते हैं। आज क्या है कि आज कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। कुछ डिफरेंसेस हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं सरकारी इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी सभी की बात नहीं कर रहे हम, कुछ इंस्टीट्यूट। अब क्या डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप सभी लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टूडेंट। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, आपने ट्रेनिंग लगवानी है अपनी, चाहे 6 मंथ की है, चाहे 6 वीक्स की है, वो ट्रेनिंग आपकी एक अच्छी जगह लगे और वहाँ पर आपको प्रॉपर सिलेबस करवाया जाए, उस सिलेबस में आपकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो रह जाएगी। और वो तभी आपका कंप्लीट होगा जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, पूरे मॉड्यूल आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। क्या होता है, देखिए जो सरकारी इंस्टीट्यूट है उसमें क्या होता है कि जैसे बाहर से जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हमने सरकारी इंस्टीट्यूट से करना है जी, उसमें क्या होता है कि मतलब वैल्यू बहुत होती है जी। किस चीज़ की वैल्यू वो मानते हैं, किस चीज़ की वैल्यू उनको लगती है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट की, सिर्फ एक सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट एक गेट पास है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है ISO अप्रूव्ड है, MPEC ट्रस्ट से सर्टिफाइड है, प्लस MSME की रिकॉग्नाइजेशन है, लेकिन हम सर्टिफिकेट को जस्ट एक कागज का टुकड़ा मानते हैं। सर्टिफिकेट जस्ट एक कागज का टुकड़ा है। अगर हम सरकारी इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप इधर देख सकते हो, आपको हाईलाइट करके दिखा देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो जो फीस है इनकी वो है 31,250 रुपीज CNC की, सिर्फ CNC की। और अगर VMC करोगे तो VMC की भी 31,000 है, मतलब दोनों अगर आप करते हो तो आपको 62 के आसपास मतलब इसकी फीस कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, CNC प्रोग्रामिंग की फीस हमारे पास 10,000 रुपये है और VMC की भी 10,000 है। अगर आप दोनों करते हो, दोनों कंबाइंड पैकेज लेते हो CNC और VMC, तो दोनों की जो फीस आपको पड़ेगी वो पड़ेगी आपको 17,000 रुपये दोनों की, CNC और VMC की। अब बेनिफिट क्या होता है CNC और VMC करने का, कि किसी इंडस्ट्री में अगर CNC और VMC दोनों मशीन लगी हैं तो आप मतलब दोनों मशीनों को हैंडल कर सकते हो, उनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब बात आ जाती है फीस की। अब फीस यहाँ पर कम है, अब आपको लग रहा होगा फीस अगर कम है तो फिर सिलेबस भी कम होगा, नहीं सिलेबस ज़्यादा है। अगर हम सरकारी इंस्टीट्यूट की बात करें तो सरकारी इंस्टीट्यूट में क्या होता है, सिंपली आपको एक लॉजिक के हिसाब से समझाते हैं। सरकारी इंस्टीट्यूट में जो टीचर पक्के हो चुके हैं, जो सरकारी टीचर हैं, ठीक है, उनकी जो सैलरी होती है वो 1.5-2 लाख रुपये सैलरी है। अब जिस बंदे की 1.5-2 लाख रुपये सैलरी है वो बंदा खुद थोड़ा करवाएगा। वहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने अपने नीचे टीचर रखे हुए हैं, टीचर रखा है अपने नीचे, किसी को 8, किसी को 10, किसी को 7,000 रुपये ऐसे दे देते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे हुए हैं। अब जो बंदे को 7, 8, 10 इस तरह से सैलरी मिल रही वो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है। तो आप जैसे आते हो ना कोरा कागज जाके, वैसे कोरा कागज वापस आता है, माइंड में कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी वो नहीं भर पाते, नहीं फिलअप कर पाते। तो क्या होता है कि सिर्फ आपके हाथ में क्या होगा, एक सर्टिफिकेट ही होगा बस। अब सर्टिफिकेट का क्या करोगे, सर्टिफिकेट चलो मिल गया, ठीक है, प्राउड फील करते हो, हाँ जी सरकारी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट हमको मिल गया है, वी आर द परफेक्ट प्रोग्रामर। बट कितने परफेक्ट हो आप, इंडस्ट्री में जाके आप उनकी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, आपने मालिक के सामने सर्टिफिकेट दिखाया, मालिक ने क्या बोलना है, सर्टिफिकेट साइड में रखो, ये पीस बना के दिखाओ। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बंदे अटक जाते हैं, एक चीज़ बना रहे हैं, एक चीज़ नहीं बना पा रहे हैं, दूसरी चीज़ बना रहे हैं, तीसरी नहीं बना पा रहे हैं, चौथी बना रहे हैं, पंजवीं नहीं बना पा रहे हैं। तो मान के चलिए उसने 10 ड्राइंग दे दी, 10 में से 5 आपको बनानी आ गई, 5 आपने वैसे छोड़ दी, तो उसमें क्या हुए, आप आधे प्रोग्रामर हुए। और आधे प्रोग्रामर की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी में आप काम करने जा रहे हो तो कंपनी में किसी भी तरह का पार्ट आ सकता है, ड्रिलिंग हो सकती है, रिमिंग हो सकती है, फेसिंग हो सकती है, थ्रेडिंग हो सकती है, किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग, किसी भी तरह की ड्राइंग आ सकती है वहाँ पे, और आपको वो बनाना पड़ेगा। और वो आप तभी बना सकते हो जब आपकी प्रोग्रामिंग पूरी कंप्लीट होगी, आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट होगा। तो जो ऑनर है, जो मालिक है, उसने वही बंदा रखना है जो उसका पूरा काम उसको करके दे। सैलरी उसने आपको 25-30 हज़ार रुपये देनी है और काम उसका आप 10-12 हज़ार का कर रहे हो तो वो बंदा नहीं रखेगा। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कौन से इंस्टीट्यूट में, आपको पता लग गया होगा सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। पहले होता था, पहले आज से 10-15 साल पहले अगर सरकारी इंस्टीट्यूट की बात करें, ठीक है, उनमें क्या होता था कि हाँ CNC प्रोग्रामिंग करवाई जाती थी, VMC भी करवाई जाती थी, अभी भी करवाई जा रही है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग के मेथड होते थे, जो उसका सिलेबस होता था वो पूरा प्रॉपर करवाया जाता था।
मतलब अच्छी तरह से करवाया जाता था, तभी तो मतलब आज जो बड़े बड़े मतलब कंपनियों में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से मतलब सरकारी इंस्टीट्यूट से जिन्होंने सीखा है बढ़िया पोस्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज की अगर बात करें, मॉडर्न अगर जमाने की अगर बात करें, तो आज के टाइम में उतना प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, वो जो फीस आपकी जानी है वो डायरेक्ट सरकार को जानी है, ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा कि मतलब वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा क्या बेनिफिट है और स्टूडेंट का क्या बेनिफिट है। उनका तो चलो बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट जा रहा है आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है वहाँ पर, आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है। तो प्लीज़ कहीं भी ज्वाइन करने से पहले ये जान लीजिए कि आपने सिर्फ एक सरकारी सर्टिफिकेट देखना है कि आपके हाथ में अच्छा लगना चाहिए, या आपने ये देखना है कि आपके माइंड में क्या स्किल जा रही है, आपको ट्रेनिंग प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। सो इस चीज़ के बारे में प्रॉपर गौर करना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।